हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम क्रिएट करते हैं इस तरह की इमेज को फोटोशॉप के अंदर। तो आज हम ये वाली इमेज को फोटोशॉप के अंदर क्रिएट करेंगे। तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो एडिटिंग अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे हमारे वेब ब्राउजर के अंदर, ओके? और यहाँ पर डाउनलोड करेंगे हम क्यूट गर्ल्स इन वेडिंग ड्रेस। तो क्यूट गर्ल्स इन वेडिंग ड्रेस आप टाइप कीजिए गूगल में और आपको कुछ इस तरह की इमेजेस शो होके आएंगी। और मेक श्योर कि आप टूल्स में जाएं, मोर टूल्स में जाएं और वहां पे सेलेक्ट कर लेंगे कि लेबल्ड टू रीयूज कौन कौन सी इमेजेस हैं। तो आप उन्हें बिना किसी प्रॉब्लम के रीयूज कर सकते हैं अपनी एडिटिंग के लिए। और बटरफ्लाई को भी आपको डाउनलोड करना है, कोई भी बटरफ्लाई की इमेज को डाउनलोड कर लीजिए जो कि सूट करती है आपकी इमेज के साथ और आपको चाहिए काम के लिए। और मेक श्योर कि आप टूल्स में जाएं और यहाँ पे यूजेज राइट्स देखें इसका कि कौन सी इमेज को आप यूज़ कर सकते हैं, कौन सी इमेज में मॉडिफिकेशन अलाउड है। तो ये सब करने के बाद अपनी इमेजेस को डाउनलोड कीजिए। और मैंने ये दो इमेजेस को सिलेक्ट किया हुआ है अपनी एडिटिंग के लिए, ये की ये वाली और बटरफ्लाई में मैंने ये वाली ली है। तो अब ओपन करेंगे हम हमारी फोटोशॉप। फोटोशॉप ओपन करने के बाद हम जाएंगे फाइल में, उसके बाद न्यू में क्लिक करेंगे और इसे नेम दे देंगे क्यूट फ्लाई। मैंने क्यूट फ्लाई नाम से इसे सेव करूँगा और इसे वेड्थ दी है मैंने 800 और हाइट दी है 800 और इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट रखा है और ओके कर लूंगा। ओके करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का कैनवस ओपन होके आ जाएगा, बिल्कुल एम्प्टी। तो अब इसके अंदर हमें प्लेस करनी है इमेजेस, जो दो इमेजेस हमने डाउनलोड की है। तो फाइल के अंदर जाऊंगा और उसके बाद प्लेस में क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारे पास है लड़की की इमेज, तो इसे मैं प्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे टिक और फिर से फाइल में और प्लेस में और बटरफ्लाई की इमेज को सिलेक्ट करूंगा और इसे भी सिलेक्ट कर लिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास टू लेयर्स बन के आ चुकी हैं, एक है बटरफ्लाई की और एक है हमारी गर्ल की। तो सबसे पहले बटरफ्लाई को सिलेक्ट करते हैं। तो जो हमारा व्यू है लड़की के लिए मैं उसे ऑफ कर दूंगा। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ दिखाई देगी बटरफ्लाई और बटरफ्लाई को सिलेक्ट कर लूंगा हमारी लेयर्स में जाके और फिर क्विक सिलेक्शन टूल का यूज करूंगा और सिलेक्ट करूंगा सिर्फ और सिर्फ बटरफ्लाई को। तो टाइम लीजिए और आराम से सिलेक्ट कीजिए बटरफ्लाई को। ओके गाइस, तो सिलेक्शन करने के बाद हमें राइट क्लिक करना है इमेज के अंदर और उसके बाद हम क्लिक करेंगे लेयर वाया कॉपी में। तो लेयर वाया कॉपी में क्लिक करेंगे और हमारे पास एक न्यू लेयर बन के आ जाएगी। तो यहाँ पे बटरफ्लाई की एक इमेज आ चुकी है और इस इमेज में जो बैकग्राउंड है वाइट कलर वो हट चुका है। तो अब हमें ओरिजिनल जो इमेज है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ओरिजिनल इमेज में क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और डिलीट लेयर पे क्लिक कीजिए और यस। और अब हमारे पास सिर्फ रह गई है इमेज, ओके, जो कि है बटरफ्लाई की। तो ये है लेयर वन। अब यही प्रोसेस हमें हमारी लड़की वाली इमेज के साथ करनी है, सिर्फ और सिर्फ लड़की को जो है सेलेक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे कि जो बटरफ्लाई वाली लेयर है उसे ऑफ कर देंगे इस वक्त। तो व्यू इसका ऑफ कर दिया, अब हमें सिर्फ और सिर्फ लड़की की इमेज दिखाई दे रही है, ओके? तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस लड़की को सिलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो कोई भी टूल का यूज कर सकते हैं इसमें, क्विक सिलेक्शन टूल या फिर आप पॉलीगन लासो टूल का यूज कर सकते हैं। तो मैं पॉलीगन लासो टूल का यूज करूंगा और टाइम लीजिए और आराम से सिलेक्ट कीजिए इस लड़की को, सिर्फ और सिर्फ इस लड़की को सिलेक्ट करने में। तो टाइम लेके आराम से सिलेक्ट कीजिए। ओके गाइस, तो इमेज को सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें राइट क्लिक करेंगे और रिफाइन एज में जाएंगे, ओके? अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है अपनी इमेज में जो कि आपने सिलेक्ट की थी, आप रिफाइन एज कर सकते हो आराम से, ओके? तो इस वक्त मुझे कोई नीड नहीं है रिफाइन एज की, क्योंकि जब हम इसे फिल्टर में डालेंगे तो वहाँ पर दिखाई नहीं देगा कुछ भी एजेस वगैरह, तो इसलिए नीड नहीं है इसमें करने की। तो मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ और सिलेक्शन के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा और लेयर बाय कॉपी कर दूंगा। लेयर बाय कॉपी करने के बाद हमारे पास लेयर टू बन के आ जाएगी कुछ इस तरह की। और जो ओरिजिनल इमेज है लड़की की वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि इसका बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए। तो मैं राइट क्लिक करूंगा रियल इमेज में और डिलीट कर दूंगा लेयर को, ओके? तो कुछ इस तरह से लड़की की इमेज हमारे पास आ जाएगी। अब मैं ऑन कर दूंगा बटरफ्लाई का व्यू भी, ओके? तो दोनों लेयर्स ऑन है हमारे पास। अब मैं मूव टूल का यूज करूंगा, ओके? मूव टूल का यूज करेंगे अब हम, ओके? तो सबसे पहले हमें चाहिए कि लड़की की जो इमेज है हमारी बटरफ्लाई के ऊपर आए। तो मैं लेयर्स में जाऊंगा और लेयर टू को सिलेक्ट करूंगा और ड्रैग करूंगा इसे लेयर वन के ऊपर। तो लेयर वन के ऊपर इसे ड्रैग कर दिया और लड़की की इमेज हमारे पास पहले आ गई। मूव टूल हमने सिलेक्ट किया हुआ है तो इसे अच्छे से पोजिशन कर देंगे हम यहाँ पे,
तो लड़की यहाँ पे ठीक है। अब बटरफ्लाई को सिलेक्ट कर देते हैं, बटरफ्लाई इस इमेज पे डबल क्लिक करके हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस आएंगी कुछ इस तरह की। तो मैं इसे थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता हूँ और इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे शोल्डर्स से जो है आएंगी, उसके बाद जो भी पंख है, और थोड़ी छोटी कर दूंगा इमेज को, और अच्छे से पोजीशन करने के बाद सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर लेंगे। और जो दोनों लेयर्स हैं हमारी, ओके, तो क्या करेंगे इसे कि मर्ज कर देते हैं इन दोनों को एक साथ, ओके। तो किसी एक इमेज में क्लिक कर लीजिए, जैसे कि लेयर टू में मैंने क्लिक किया, फिर कंट्रोल प्रेस कीजिए कीबोर्ड में, प्रेस करके रखिए, और उसके बाद दूसरी जो लेयर है उसमें भी क्लिक कीजिए, तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगी, ओके। और इसमें राइट क्लिक कीजिए, और एक ऑप्शन है हमारे पास मर्ज लेयर्स की, इसमें क्लिक कीजिए और ये एक ही लेयर बन जाएगी। और अब मूव टूल का यूज़ कीजिए और इसे सेंटर जैसे में लाइए अपनी इमेज को, और ये आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारी पोजीशन हो चुकी है इमेज, अब हम हमारी इमेज को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे लेयर्स में, और जाएंगे इमेज में, और अब जाएंगे हम एडजस्टमेंट्स में। यहाँ पे आप ब्राइटनेस को ज़्यादा या कम कर सकते हो, तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा करूँगा, ओके, और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम किया और ओके, और कुछ इमेज इस तरह की दिखाई दे रही है। अब मैं फिल्टर्स में जाऊंगा, फिल्टर में, और फिल्टर में एक ऑप्शन है हमारे पास फिल्टर गैलरी, तो इसमें क्लिक कर लूँगा और कुछ इस तरह की एक ऑप्शन आएगी हमारे पास। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं हमारे पास यहाँ पे, आर्टिस्टिक है हमारे पास, यहाँ पे ब्रश है हमारे पास, आपकी मर्जी है जो भी आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक टेक्सचर है, टेक्सचर की ऑप्शन आपको मिलेगी, टेक्सचर में जाइए और यहाँ पे स्टेन्ड ग्लास नाम से एक ऑप्शन है, उसे सिलेक्ट कर लीजिए, तो मैं इसका यूज़ करूँगा, ओके। और इस तरह से हमारी इमेज दिखाई देगी। यहाँ पे आप सेल का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितना बड़ा साइज आपको सेल का चाहिए, तो मैं पूरा सबसे छोटा सेल का साइज लूंगा, और आप यहाँ पे बॉर्डर की थिकनेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सेल के जो बॉर्डर हैं उनकी थिकनेस, तो सबसे कम थिकनेस ली मैंने, और लाइट इंटेंसिटी में थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो 5 तक मैंने लाइट इन, ओके, 4 तक लाइट इंटेंसिटी मैंने बढ़ा दी, और ओके कर लूंगा, और इमेज हमारे पास कुछ इस तरह से बन के आ गई। अब हम क्या करेंगे कि फाइल में जाएंगे और इस फाइल को सेव कर लेंगे, और सेव एस में जाऊंगा, ओके। तो अगर आपको फ्यूचर में भी इसमें एडिटिंग करनी है, तो आप इसे PSD के नाम से सेव कर लीजिए, ओके। और अगर आपको नहीं करनी है इसमें कोई एडिटिंग और यूज़ करना है इसे किसी सोशल नेटवर्क में या एज अ प्रोफाइल या एज अ लोगो, तो आप फॉर्मेट चेंज कीजिए और PNG सेलेक्ट कर लीजिए, ओके। PNG इसलिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जो पीछे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है वो आपका चेंज नहीं होगा, अगर आप PNG सेलेक्ट करेंगे वो ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। अगर आप कोई और फॉर्मेट का यूज़ करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है वो वाइट कलर में शिफ्ट हो जाएगा, ओके। तो अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, सेव कर लिया और ओके, और हमारे पास इमेज बनके रेडी हो चुकी है। तो गाइज इस तरह की इमेज को हम बनाते हैं, तो इसका यूज़ करके आप इस मेथड का यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट लोगोस क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, तो बहुत ईजी है। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ये इमेज आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं, ओके। तो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फोटो एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी मटेरियल की आपको नीड है, तो आपको वो सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर।